सिर्फ 53 हिंदुस्तानियों ने चीन की नाक में दम किया हुआ है। भारत माता के सिर्फ 53 सपूत चीन को डराने के लिए डटकर खड़े हैं, और इन्हीं 53 हिंदुस्तानियों से चीन थर थर कांप रहा है। ये है भारत की ब्रिगेड 53। भारत को बार बार युद्ध की धमकी देने वाले चीन ने खुद इस ब्रिगेड से डर की बात पूरी दुनिया के सामने कबूल की है। चीन ने भारत की इस ब्रिगेड 53 पर क्या कहा है और क्या है ये ब्रिगेड 53, बताते हैं आपको। ब्रिगेड 53 किसी आर्मी कोर या सेना के दस्ते का नाम नहीं है, बल्कि ये 53 भारतीय जांबाज सैनिकों की वो टुकड़ी है जो इस वक्त चीन की सेना के सामने खड़ी है। भारत की ये सैन्य टुकड़ी बड़ी जिद्दी है और हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर पल तैयार है। पिछले 50 दिनों से भारत के इन्हीं 53 वीरों ने ड्रैगन की नींद उड़ा रखी है। अब सुनिए कि इसी ब्रिगेड 53 को लेकर चीन सरकार का डर क्या है। चीन सरकार के मुखपत्र कहे जाने वाले अखबार ग्लोबल टाइम्स में इनकी खबर छपी है। इनके मुताबिक भारत के 53 सैनिक एक बुलडोजर के साथ लगातार मौजूद हैं। अखबार में लिखा गया है कि हिंदुस्तान सरकार को अपने 53 सैनिकों को और बुलडोजर को डोकलाम से हटाना चाहिए। आपको बता दें कि ये 53 भारतीय सैनिक और बुलडोजर चीन के किसी भी अवैध निर्माण को वहां ध्वस्त करने के लिए हर पल मौजूद हैं। और इन्हीं 53 सैनिकों से चीन की संप्रभुता को खतरा होने लगा है। चीन इनसे डरने लगा है। दरअसल चीन को इस बात का डर है कि वो जिस तेजी से भारत के खिलाफ घेराबंदी की साजिश रच रहा था, उसे ये 53 भारतीय सैनिक अब नाकाम कर सकते हैं। इन 53 भारतीय सैनिकों की मौजूदगी चीन को डरा रही है, इसीलिए वो अपने भारतीय सैनिकों से पीछे हटने की बार बार बात कर रहा है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में चीन भारत को 8 से भी ज्यादा बार युद्ध की धमकियां दे चुका है, लेकिन इन सब के बीच चीन ये भी कहता है कि वो युद्ध नहीं चाहता। वो भारत को बार बार 62 की लड़ाई के अंजाम की याद भी दिलाता है, लेकिन इन 53 सैनिकों के सामने एकदम बेबस है। चीन को भी अभी अच्छी तरह पता है कि हिंदुस्तान वो पुराना 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है। एक तरफ भारत के साथ जहां दुनिया के तमाम मुल्क कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, वहीं चीन के साथ युद्ध में भागीदारी के लिए पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के अलावा और कोई नहीं है। ऐसे में चीन को भारत के इन 53 सैनिकों से खूब डर लग रहा है, क्योंकि अब चीन को भी इस बात का अच्छे से अंदाजा है कि युद्ध बच्चों का खेल नहीं रहा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।